back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए चेहरे से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ और वो और कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड है साहिल. सो क्योंकि कुछ बच्चों के जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपका जो हस्बैंड है स्पाउस आपका जो है वो यहाँ पर कितने आवर्स के लिए जॉब कर रहा है, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आता है वो कितने आवर्स तक यहाँ काम कर सकता है. सो इसीलिए आज का कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है. आज जो है साहिल आप लोगों के साथ अपना जो है 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. हालांकि उसको भी 3 से ज़्यादा हो गया टाइम, 3 मंथ्स से, बट सो आज की वीडियो में वो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल. तो आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं आज आपके साथ अपना 3 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं इंडिया से न्यूजीलैंड आया हूँ और मैंने किस किस तरह के काम यहाँ पे किए हैं, क्या क्या पे रेट मेरे यहाँ पे थे और किस किस तरह के मेरे को कब कब किस किस चीज़ों पर क्या क्या करना पड़ा है, कितना सर्वाइव किया है मैंने यहाँ के, मैं आपको आज इस चीज़ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ 3 मंथ का. तो पहला काम मेरा जो यहाँ पे था वो खेतों में था, क्योंकि मैं यहाँ पे 27 अक्टूबर और 2023 में आया था और एकदम आने के बाद फिर काम ढूँढना ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आपका आने के बाद IRD अप्लाई करना पड़ता है, बैंक का अप्लाई करना पड़ता है अकाउंट, तो उसमें आपका 1 वीक के अराउंड लग जाता है, क्योंकि आप आते हैं 2-4 चीज़ें नहीं भी देखते हैं कि कैसी है, कुछ रास्ते आपको कई बार याद नहीं रहते. तो इसमें यहाँ पे गूगल मैप की बहुत हेल्प रहती है आने जाने के लिए, कि आप एक बारी गूगल मैप लगाएंगे आपको आपकी लोकेशन पे वो छोड़ देगा. और कुछ और भी 2-4 चीज़ें होती हैं, जैसे आपको जाना है आना है तो ATO ऑफ कार्ड की हेल्प है ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको आने के बाद. तो मेरे को काम यहाँ पर आने के बाद 1 मंथ के आसपास मुझे यहाँ पर काम मतलब मैंने किया था, और जो मैंने 1 मंथ काम किया था वो मेरा खेतों का काम था. वहाँ पे मैंने थिनिंग करी है, टिपिंग करी है और आपका कैनिंग करी है. मैंने 3 काम खेतों में किए हैं 1 मंथ के आसपास. ऐसा होता है वहाँ पे खेतों में कि जैसे एक सुपरवाइज़र रहता है और आपको 10 बंदों को एक सुपरवाइज़र के पास छोड़ दिया जाता है. वो सुपरवाइज़र सारा दिन उनको देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि खेतों का काम बहुत ईजी है और आप लोग चाहें तो बहुत आराम से सोच सकते हैं कि भाई हम जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब बातें हवा में अच्छी लगती हैं. तो मैं खुद इंडिया से था तो मैंने खुद इंडिया में अपने खेत नहीं कभी देखे जाके कि कैसे खेत होते हैं, कैसे काम होता है, पर बाहर आने के बाद मैंने ये सब किया है, काम किया है खेतों में, है ना, तो पता लग जाता है कि भाई कितना मुश्किल काम है. सारा दिन 8-8, 9-9 घंटे की जॉब होती है, 2-3 ब्रेक होती हैं उसके अंदर, पर आपको पता नहीं चलता कि उधर कैसे टाइम निकल रहा है और क्या है, बहुत मुश्किल है. तो मैंने 1 मंथ के अराउंड वहाँ पे काम किया था. मेरा 2270 का पे रेट वहाँ पे था खेतों में, और वही है कि वीकली सैलरी आ जाती है आपकी. तो मैंने 1 मंथ वहाँ पे काम किया, काफ़ी कुछ वहाँ के बारे में देखा है, जाना है. और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे काम करते करते अपनी सेकंड जॉब के लिए भी सर्च किया मार्केट में. मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था जॉब के लिए, पर ऑनलाइन बहुत मुश्किल था क्योंकि बच्चा बहुत आ चुका है न्यूजीलैंड में और जॉब के लिए बहुत ही टफ हो चुका है. आपको कोई वैसे बोल दे कि बहुत जॉब इजी हो गई है, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी पिछले 1.5 साल से न्यूजीलैंड कितने वीज़े दे रहा है और कितना बच्चा यहाँ पे आ भी चुका है, और इतना बच्चा आएगा, इतना क्राउड हो जाएगा, तो इतनी तो जॉब्स एकदम से नहीं आ सकती मार्केट में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ों के साथ बंदे को काम करना ना. फिर मैंने क्या किया कि वॉकिंग पे भी अपना जॉब ट्राई करना स्टार्ट किया कि मैं वॉकिंग से भी जॉब ले पाऊँ. मैं काफ़ी इधर उधर भी जगह गया, किसी ने मुझे बताया कि यार तू उधर चला जा, मैं उधर भी चला गया, इधर गया उधर भी चला गया. तो मैंने ऐसे ही एक मार्केट में घूमते घूमते एक वॉशिंग कार वॉश के नाम से था, मैंने उनको सर्च किया ऑटो कार वॉश. तो मैंने उनके पास मैं गया, मैंने अपना रिज्यूम छोड़ा, उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे कॉल किया कि आप आ सकते हो और हम आपको फुल टाइम नहीं देंगे, पार्ट टाइम देंगे. एक यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आप लोग अगर सोचते हैं कि हम आ जाते हैं और जॉब करते हैं तो यहाँ पे इतना इजी ये है कि देखो इजी नहीं है सॉरी कि इसमें ना आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ती है कि आप तो जॉब के लिए बोला है किसी को और वो आपको जब बुलाएगा तो यहाँ पे कोई किसी को फुल टाइम एकदम से जॉब नहीं देता. जब मैंने भी उससे बात की, वहाँ पर लेडीज़ थी मैम, तो मैंने उनसे बात की कि मैम आपका कॉल आया था तो आपने मुझे जॉब के लिए बुलाया था, तो वो कहते साहिल हम आपको परमानेंट जॉब नहीं देंगे, ये कैजुअल जॉब है, आप धीरे धीरे जब हमारी लाइन का काम सीख जाओगे तो उसके बाद हम आपको परमानेंट कर देंगे. तो वहाँ पे मेरे कभी एक दिन में 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, ऐसे मैंने वहाँ पे 3-4 वीक काम किया खेतों से अलग. और उसके बाद मैं 3-4
मतलब 3-4 वीक में उनका काम सीख गया था। तो मैंने काम सीखने के बाद उनके पास रेगुलर जॉब स्टार्ट की, तो वहाँ पे भी मेरा काफ़ी अच्छा था, ठीक था। उन्होंने भी बोला था कि आप काम सीख जाओगे तो पे रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये तो नॉर्मली होता ही है, आप कहीं भी काम करो आपको उनकी चीज़ों के बारे में पता लग जाए, काम के बारे में पता लग जाए, तो आप इजीली बहुत मतलब अपना पे रेट भी इंक्रीज़ करा सकते हैं, वो सामने वाला भी कर देता है। तो मैंने वहाँ पे भी 1-1.5 महीना काम किया है, वहाँ पे ही मेरा पे रेट 23 के अराउंड था। तो जब मैंने वहाँ से लास्ट छोड़ा तो मेरा 24-25 के आसपास पे रेट था वहाँ पे भी। तो उसके बाद मैंने सेकंड जगह ज्वाइन किया, वो भी खैर मेरा रेफरेंस से मिली हुई जॉब है, जो मैंने सेकंड जो मैंने थर्ड जॉब स्टार्ट किया सेम था काम, इसलिए मैंने चेंज किया क्योंकि वहाँ पे भी मैं कारगर उम्र का काम करता था और अभी भी मैं जहाँ पे करंटली वर्किंग हूँ वहाँ पे भी मैं कारगर उम्र का ही काम करता हूँ। तो कुछ इस तरह से है, वहाँ पे भी ठीक है, काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप काम करेंगे, न्यूजीलैंड आएंगे, आपको पता चलेगा यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, है ना। तो ये तो सब चीज़ें आप आने के बाद ही सही रिज्यूम कर सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कार ग्रूमर का भी काम कर रहा हूँ, वो भी कोई इजी जॉब नहीं है। आप सोचते हो कि मैं बहुत मतलब इजी अभी भी कोई ऐसा जॉब कर रहा हूँ कि बहुत इजी है, नहीं अभी भी कुछ ऐसा इजी नहीं है। आप यही है कि देखो ग्रो करते रहे, है ना। आपने अभी एक जॉब ली है, अभी खेतों से तो बहुत बेटर है क्योंकि आप खेतों में काम करते हो ना, पैरों में सही से कुछ आप रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है खेतों की हालत क्या होती है, और ना सर पे कोई छत होती है, कभी भी बारिश आ जाएगी, कभी भी कुछ हो जाएगा। तो उससे तो बहुत बेटर है कि मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो बहुत सही जगह है, और ठीक है मेरे जो वो हैं काम वाले हैं, मेरे साथ वाले हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं, वो भी बहुत सही हैं, कुछ पंजाब से भी हैं, कुछ हरियाणा से भी हैं, आजकल कुछ लोग हैं जो वो केरल साइड से भी आजकल लोग इधर आने लगे हैं। तो बाकी है कि आप एक जगह ना रुकें अपनी जॉब के लिए, और अच्छी जगह हर बंदे का होता ही है वैसे खुद का भी कि मैं आज यहाँ पे हूँ कल मैं वहाँ पे जाऊँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, सबके अंदर होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ पर मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं किसी अच्छी चीज़ के बारे में और अच्छा देखूँ, कुछ और अच्छा करूँ, है ना। तो सबके अंदर ये चीज़ होती है। बाकी एक चीज़ मैं आपसे और छोटी सी शेयर करूँगा, क्योंकि नीतू ने इस बारे में शायद आपको पहले पर मुझे नहीं पता कि बताया नहीं बताया, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ अपनी तरफ से। मैं जब इंडिया से आया था तो एक हैवी लाइसेंस लेके आया था लेवल 5 का। हम यहाँ पे अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वो सीधा लेवल 5 में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 पे आप पहुँचेंगे, तो 5 पे पहुँचने के लिए आपको कम से कम भी 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। अगर आप इंडिया से अपना हैवी लाइसेंस बनवा के आते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वो लेवल 5 का लाइसेंस बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। सिर्फ आपको एक थ्योरिकल टेस्ट पास करना है जिसमें आपको 35 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको 33-34 क्वेश्चन होते हैं जो पास करने होते हैं, तो उसके बाद आपका सीधा लेवल 5 का लाइसेंस यहाँ पे बन जाता है, और उससे आपकी जॉब जो होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। जैसे अपन अगर हरियाणा अभी यहाँ पे आप देखते हैं कि प्लेन ना, अभी मेरे पीछे से ही प्लेन जा रहा है, तो यहाँ पे ये बड़ी हमारे घर के पास बड़ी समस्या है क्योंकि हम लोगों का जो घर है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, तो यहाँ से हर 10 मिनट बाद प्लेन निकलता ही रहता है, आपने काफ़ी वीडियो में पहले भी देखा होगा। तो आप यही है कि इंडिया से हैवी लाइसेंस अगर लेके आते हैं तो उसका बहुत यहाँ पे बेनिफिट होता है, कि जैसे आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे हरियाणा रोडवेज चलती है, हम लोग कितना वो देखते हैं कि भाई हरियाणा रोडवेज जा रही है, पंजाब रोडवेज जा रही है, ऐसे यहाँ पे न्यूजीलैंड की भी अपनी बसें हैं। अगर उसमें आपको जॉब करनी है तो उसमें आपका लेवल 5 का लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो आपको जॉब मिल पाती है, और उस जॉब में क्या है कि PR भी बहुत ईजिली हो जाती है। तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप इंडिया से हैवी लाइसेंस लेके आए कई तरह की जॉब्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी 2-3 जॉब से मैंने अप्लाई किया था, उसमें उन्होंने मेरे को एक PR के लिए भी बोला, जो अच्छी जॉब थी, वाइट कलर जॉब जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने PR के लिए भी बोला कि क्या आप PR हैं, क्या आपके पास न्यूजीलैंड का लाइसेंस है। तो इन सब चीज़ों की बहुत नीड पड़ती है। मैंने भी अपनी फाइल लाइसेंस की अभी लगा रखी है, थ्योरिकल टेस्ट मैंने अभी देना है, अभी दिया नहीं है। तो यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन कुछ पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद उन्हीं में से कुछ आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और आपको क्लियर करना होता है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, वो भी बहुत ईजी है। और रही बात बाकी वही जॉब वाली, तो आप लोग करते आएँ, है ना, ट्राई करें, एक जगह रुके मत। और बाकी आप लोगों के पर्सनल मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे भी आते रहते हैं, और कुछ आपके यूट्यूब पे भी हमने देखे हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, तो सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी मुझे एक मैसेज आ रहा था, वो दिल्ली से ऐसा लड़का, उनकी पूरी फैमिली आएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिप्लाई करना। आज तो ऐसा था कि मैं कुछ काम से भी जल्दी आ गया है, तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो ये शेयर किया है। और एक चीज़ और है कि जैसे आप जॉब पे हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास काम नहीं है,
तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे काम नहीं, आप एक बार चले गए तो आप चले गए, आपके पूरे 8 घंटे हैं या किसी के 10 घंटे की जॉब होगी वो पूरे 10 के 10 ही लगेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जैसे कि पता होगा कि यहाँ पे आवर्स के पैसे मिलते हैं, तो घंटे के हिसाब से यहाँ पे जॉब होती है। तो यहाँ पे आप अगर जॉब पे गए भी हैं तो घंटे का, अगर 4 घंटे का काम है तो वो आपको 4 घंटे ही रखेंगे, अगर 5 घंटे का काम है तो 5 घंटे ही रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप घर से निकल गए हैं तो आपके इतने घंटे फिक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बाकी एक सिक्योरिटी की भी जॉब है यहाँ पे, आप अगर, आपको पता होगा न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी बहुत फेमस है, यहाँ पे आप लाइसेंस बनवा सकते हैं जो कि 180 ऐसा कुछ इसमें डॉलर्स में बन जाता है, और वो 3 मंथ के लिए शायद उसकी होती है वैलिडिटी, तो आप वो बनवा सकते हैं। उसमें आपको सिक्योरिटी में लंबी जॉब्स मिल जाती हैं, स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जो ओपन वर्क परमिट पे हैं जैसे मेरे जैसे जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, उनके लिए बहुत सही है क्योंकि उनमें 12-12 घंटे की लंबी शिफ्टें मिलती हैं, पूरा IRD होता है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो टैक्स बहुत ज़रूरी है, हम लोग जो यहाँ चल रहे हैं वो टैक्स से ही चल रहे हैं, हमारा और कुछ नहीं है यहाँ पे। कि अगर हम टैक्स देते रहेंगे तो हमें आगे वीज़ा में भी हेल्प करेगा और PR में भी हेल्प करेगा, और जब आप PR हो जाते हैं फिर तो आपको वैसे ही बहुत फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब में ही मिल जाएगी, अगर आप बात करते हैं डॉक्टर्स वगैरह से, इन सब से कंसल्ट करने की, आपको कोई दिक्कत है कुछ है, उसमें बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आएँ आप न्यूजीलैंड, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब अपनी फाइंड करें, है ना, तो कहीं रुके मत, अपने लिए चलते रहें, सर्वाइव करें। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग अस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स नॉट ओनली माइन नाउ इट्स आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।